अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद शब्बीर 1.0 यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में बताएंगे। मुकम्मल डिटेल से आपको बताया जाएगा कि वीडियो एडिटिंग हम कैसे करते हैं। मेरी बैक साइड पे आप देख लें, जो चीज आपको नजर आ रही है ये चीज रियल में नहीं है, ये मैंने बैकग्राउंड को चेंज किया है। और मेरी आवाज को भी आप देख लें, जो मैं बोल रहा हूँ ये भी आवाज मेरी वो आवाज नहीं है जैसे मैंने रिकॉर्डिंग की थी। इस आवाज को भी मैंने बिल्कुल साफ किया है, बिल्कुल क्लियर किया है। और जहाँ पे खड़ा होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अरे कहना क्या चाहते हो, ये भी कोई स्टूडियो नहीं है, ये एक किचन है। ये भी मुकम्मल मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किचन में खड़े होकर कैसे वीडियो बनाता हूँ। और आप किन किन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो एडिटिंग कोर्स के लिए, मुकम्मल डिटेल से आपको बताया। वीडियो को आपने मिस नहीं करना, आते हैं फिर अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे और इन सब चीज़ों को सीखते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे अपना स्टैंड। ये देखें स्टैंड मेरा कहाँ पर पड़ा हुआ है, मुझे थोड़ा छुपा कर रखना पड़ता है सिर्फ बच्चों की वजह से। ये मैंने अपना स्टैंड उठा लिया और इसको फिर मैं लेके जाऊंगा अपने उस किचन में जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। आप हम उस तरफ जा रहे हैं, देखें जी ये मेरा स्टूडियो। ये स्टूडियो की आप थोड़ी शक्ल देख लें। अब इसको बेहतर से बेहतरीन बनाना है, कोई भी चीज़ आपसे छुपाई नहीं जाएगी। ये मैंने रख लिया यहाँ पे अपना स्टैंड और उसके बाद स्टैंड मैंने रख लिया, देख सकते हैं ये मेरा स्टैंड है। ये देखें यहाँ पे मोबाइल फिट होगा और वीडियो बनेगी। उसके बाद आते हैं हम अपने टेबल की तरफ। मेरा टेबल है ये, मैं बाद में रखूँगा, फ़िलहाल इसको मैं अपने यहाँ पे इसके पास रख लेता हूँ। ये देखें यहाँ मैंने रख लिया। अब मुझे चाहिए होगी एक चेयर, तो वो चेयर भी वहीं पे पड़ी हुई है जहाँ से उठाया था मैंने अपना स्टैंड। ये चेयर है जी, चेयर को हमने पकड़ा और पकड़ के लेके आ गए यहाँ पे। पहले अपने सामान को पूरा करते, ये देखें चेयर भी यहाँ पे आ गई। अब मैं उठाऊँगा अपने लैपटॉप को। ये लैपटॉप को पहले से मैंने बाहर निकाल के रख लिया था। ये देखिए लैपटॉप भी है, माइक भी है और मेरे हैंड फ्री भी है। इनको मैंने यहाँ से उठाया और उठा के उस टेबल पे मैंने कर दिया सेट। सेट करने के बाद अब मैंने अटैच करना है अपने यानी कि मोबाइल को स्टैंड सा। स्टैंड मेरा बहुत ऊंचा है तो स्टैंड को थोड़ा सा मैं कर लूँगा नीचे की तरफ। जब नीचे करूँगा तो इसमें यह होगा कि काफ़ी हद तक वीडियो बनाने मुझे आसानी पैदा हो जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं खोल लेता हूँ और इसको जब मैं खोलूँगा ये काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा जाला शाला भी लगा हुआ है, जाले को हम थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद अब मैं साथ में एक छोटे से बच्चे का सहारा लूँगा, वो मेरी वीडियो बनाएगा कि मैं कैसे इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। उसके बाद वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके फिर मुकम्मल एडिटिंग आपको बताते हैं कि एडिटिंग आपने कैसे करनी है। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल को अपने स्टैंड से लगाना है। मैंने इसकी सेटिंग करके मैंने इसको लगा दी है। अब हम अपनी वीडियो करेंगे रिकॉर्ड। मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए मैंने प्ले किया। अब मैं आता हूँ इस तरफ और मैं अपनी वीडियो करूँगा रिकॉर्ड। ये देखिए मैं बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और थोड़ा सा आपने बिल्कुल सेट हो जाना है और बिल्कुल रिलैक्स होके आपने बोलना है। किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, आपके सामने कोई भी नहीं है, अभी आपके सामने कोई नहीं है, लेकिन जब आप बोलेंगे, आप यानी कि वीडियो को शो करेंगे तब पूरी आवाम ने आपको देखना है, लेकिन अब आपके सामने कोई भी नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद शब्बीर। क्या हाल है, सब ठीक ठाक है? आज की इस वीडियो में हम लोग आपको वीडियो एडिटिंग कोर्स के बारे में बताएंगे और मुकम्मल तरीका आपको बताया जाएगा कि आपने वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, आपने थंबनेल कैसे बनाना है और आपने किस किस सॉफ्टवेयर का आपने इसमें यूज करना है। तो आते हैं फिर अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे और करते हैं वीडियो एडिटिंग कोर्स को स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में से कैपकट को ओपन करेंगे। ये कैपकट का ऐप है और ये कैपकट का जो ऐप है ये आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में से मिल जाएगा और इसे आप गूगल के ज़रिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने कौन सा ये वर्ज़न इसका यानी कि डाउनलोड किया हुआ है ये मैं आपको ये देखें स्क्रीन पे आपको मैं दिखा भी रहा हूँ।
तो इस यानी कि वर्ज़न को आप गूगल में से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यानी कि कोई भी आप कैप कट का यूज़ करें, लाजमी नहीं कि आपने कोई अच्छे वाला वर्ज़न आपने यूज़ करना है। आप यानी कि हल्का फुल्का बेशक कोई थका हुआ कैप कट है उसको भी आप यानी कि डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो काम हमने चलाना है वो काम हमारा उस यानी कि हल्के फुल्के टैप कट से भी हो जाएगा। इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करके सबसे पहले हमने इसमें ना ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करना है, तो जो ग्रीन स्क्रीन है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है गूगल में से। मैं गूगल को ओपन करता हूँ। गूगल को ओपन करने के बाद इसमें आपने टाइप करना है ग्रीन स्क्रीन कलर, जैसे मैं लिखता हूँ ग्रीन और स्क्रीन लिखता हूँ, ये देखिए ऊपर आ गया ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड कर लेते हैं इसमें। ये देखें काफ़ी सारे आपको बैकग्राउंड मिलेंगे, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है वो आपने ले लेना। जैसे ऊपर से मैं इमेजेस पे क्लिक कर लेता हूँ, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ऑल इमेजेस, वीडियोज़, न्यूज़, इमेजेस में आता हूँ। कोशिश आपने करनी है जो कि आपका हो चौड़ाई में हो और लंबाई में हो, यानी कि वो कर लेना आपने। और कलर आपका ये कि ग्रीन कलर उसमें आपका होना चाहिए, कि मतलब कि ये ना हो कि आधा ब्लैक है आधा ग्रीन है, ऐसे ना हो। जैसे कि हम इसको ले लेते हैं, इसको मैंने उठाया, ये वाला लिया, और इसको हमने करना है यानी कि सेव करना है। यहाँ पे अपनी अपनी फिंगर को प्रेस करके रखना है इस ग्रीन बैकग्राउंड पे। एक लिस्ट आएगी, इस लिस्ट में आपको बोलेगा डाउनलोड इमेज, इस पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने डाउनलोड अगेन करना है। एक बॉक्स आएगा इसमें से और ऊपर देख सकते हैं, ये देखिए डाउनलोड आपका हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया। इसको आप ओपन करके देखेंगे ये आपका डाउनलोड हो चुका होगा। अब हम ओपन करते हैं अपने कैपकट को। कैपकट को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसमें सबसे पहले आपने जो न्यू प्रोजेक्ट है टॉप साइड पे, यहाँ पे आपने यानी कि अपनी फिंगर को टैप करना है। उसके बाद अब आपने टॉप साइड पर आपको मिलेगा फोटो का ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा वीडियो का, एक मिलेगा फोटोज़ का। आपने फोटोज़ पे क्लिक करना है। जब आप फोटोज़ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे सबसे पहले आपका वही बैकग्राउंड आ चुका है जो कि आपने अभी डाउनलोड किया था ग्रीन स्क्रीन में। इसको मैं यहाँ पे अपनी फिंगर को टैप करता हूँ और नीचे से इसको मैंने करना है ऐड। बॉटम और राइट साइड पर आपको ऐड का एक बटन मिलेगा, इसको आपने ऐड किया तो ये आपके कैपकट में आपका ये ऐड हो गया। अब इस पर क्लिक करके इस यानी कि बैकग्राउंड पे इसको आपने ऐसे मूव करना है, मूव करके इसकी साइज़ को आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ऊपर इसके देखिए सेकंड्स भी आ रहे हैं भी कितने सेकंड आपने इसको बड़ा करना है। इसको तकरीबन मैं कर लेता हूँ 1 मिनट तक इसको ले जाता हूँ। ये देखिए तकरीबन ये 1 मिनट मेरा हो गया, बल्कि ऊपर ही हो गया। अब इसको इनके अपनी फिंगर को मूव करके इसको बैक लेके आना है। अब इसमें हमने अपनी वीडियो लेके आनी है, इनके सबसे पहले हमने अपनी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो वीडियो लाने के लिए बॉटम साइड पे आप देखें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बॉटम और लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक स्प्लिट का। स्प्लिट के साथ आपको मिलेगा एक एरो, एरो पे अपनी फिंगर को प्रेस करना है। फिंगर को प्रेस करेंगे आप बॉटम साइड पे आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओवरले का। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ओवरले। आपने ओवरले पे अपनी फिंगर को टैप करना है। टैप करने के बाद उसके बाद आपने यहाँ से करना है ऐड ओवरले। उसके बाद आपने अपनी उस वीडियो को लेके आना है जिस वीडियो को आपने बैकग्राउंड चेंज करना है। टॉप साइड से जैसे मैंने फोटोज़ किया था अब मैं करूँगा वीडियो करूँगा। वीडियो करने के बाद देखिए मेरी तमाम मेरी वीडियो आ चुकी हैं। अब इसमें से जैसे मैं ये एक वीडियो लेता हूँ, ये वाली, ये वीडियो मैंने ले ली। उसके बाद इसको मैं कर लूँगा यहाँ पर ऐड कर लूँगा इसमें, ये मैंने ऐड किया, ऐड किया। अब थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा, इसकी ये प्रोसेसिंग हो रही है, ये तकरीबन इसको लेके जाएगा 100 तक इसको लेके जाएगा। जैसे ये 100 मुकम्मल करेगा तो क्या होगा, ये वीडियो मेरी इस कैप कट में आ जाएगी। थोड़ा सा हम करते हैं, वेट करते हैं। अब देखें वीडियो हमारी इसमें आ चुकी है। अब हमने ये करना है कि इसको हमने वीडियो को आगे की तरफ लेके जाना है, जहाँ से मैं बोलना स्टार्ट करूँगा। ये देखें कि आप देख रहे, आप देख भी सकते हो, बताएंगे इशारा कर रहा हूँ मैं, बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। थोड़ा इसको पीछे कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने करना है स्प्लिट करना है। स्प्लिट का आपको पहले मैंने बताया था, बॉटम और लेफ्ट साइड पे आपको स्प्लिट का मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक किया, अब इसका जो जो पहला पार्ट है ये देखिए ये दो पार्ट में तकसीम हो गई। पहले पार्ट पे क्लिक करके बॉटम और राइट साइड पे आपको मिलेगा डिलीट का एक आइकन मिलेगा, आपने इसको डिलीट कर देना है। इसको पकड़ के आपने मूव करना है इस तरफ, ये देखें आपने मूव किया, अब देखें ये चीज़ आपकी हो गई, ये देखें ये मुकम्मल आपकी चीज़ आ गई है। अब आप देखना है कि कहाँ पे आपने इसका एंड किया है, कि कहाँ पे आप खामोश हो गए। और इसको थोड़ा सा पकड़ के हम और बड़ा कर लेते हैं, ये देखें इसको मैं और बड़ा कर लिया। अब देखें ये मैं यहाँ पे बोल के ऊपर, मेरी ऊपर वीडियो में देखें यहाँ बोल के मैं खामोश हो गया हूँ, यहाँ तक खामोश हो गया हूँ। दोबारा इसी में मैंने क्लिक करना है, क्लिक करके स्प्लिट करना है, एंड वाला पार्ट जो है वो मैंने डिलीट कर देना है। ऐसे जो ग्रीन स्क्रीन है इसको मैंने स्प्लिट करना है
और एंड वाले पार्ट को क्लिक करके मैंने डिलीट कर देना है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। अब मैंने अपनी वीडियो को थोड़ा बड़ा करना है, मैंने तो बड़ा करने के लिए मैं ये करूँगा, अपनी वीडियो में नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, इसको पकड़ के ऐसे देखें सेंटर में से दोनों अंगूठों से आप इसको ये देखें बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको इतना बड़ा करना है, ये देखें यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, इसके शुरू में आते हैं। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बॉटम साइड पे आपको काफ़ी सारे आइकन्स मिलेंगे, इन आइकन को आप रिमूव करना है। इसमें आपको मिलेगा कट आउट का ऑप्शन, कट आउट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके इसमें आपको मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड नंबर फर्स्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है तो क्या होगा, और नीचे से इसको आपने टिक मार्क, ये जो बॉटम और राइट साइड पर आपको टिक मार्क मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड साइज को आपने कर देना। अब देखें इसका ये बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। देखिए मेरे पास कोई भी ग्रीन स्क्रीन नहीं थी, कोई भी अच्छा स्टूडियो नहीं था, लेकिन मैं इसी और मैंने ये किचन में खड़े होकर वीडियो बनाई है और इसी वीडियो को मैं बनाऊंगा एक शानदार। अब मैंने थोड़ा सा मेरा कलर है सांवला सा, इसको मैंने थोड़ा गोरा चिटा करना है। गोरा चिटा मैं कैसे करूँगा, बॉटम साइड पे उसी में एरो पे क्लिक करूँगा, रिमूव बैकग्राउंड के साथ मैंने क्लिक किया। अब मैं थोड़ा इसको आगे मूव करूँगा, इसमें मुझे एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर एडजस्ट पर मैंने करना है, अपनी फिंगर को टैप करना है, टैप करूँगा, इसमें मिलेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन। सबसे पहले इसमें मुझे मिलेगा ब्राइटनेस, यानी कि दूसरे नंबर पे ब्राइटनेस का ऑप्शन है, या मैंने अपने फिंगर को टैप करना है। अब नीचे आपको गोल से एक बटन मिलेगा, देखें इसके जरिए देखना, देख सकते हैं मेरा रंग काला भी हो रहा है और रंग मेरा गोरा भी हो रहा है। इसको तकरीबन मैंने रख लेना 30 तक रख लेता हूँ इसको मैं, ये 30 तक कर लिए। उसके बाद ब्राइटनेस के साथ आपको मिलेगा कंट्रास्ट का ऑप्शन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इसको आपने इस तरफ करना है 30, इधर उसको इधर किया था राइट पे, इसको आपने लेफ्ट पे करना है, ये आपने कर लिए। फिर इसमें आपको मिलेगा सैचुरेशन का ऑप्शन मिलेगा इसके साथ ही, यहाँ पे क्लिक करके इसको भी आप तकरीबन कर लें 30 कर लें, इसको आपने कर देना है यस कर देना है। यस करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका जो रंग है वो गोरा चिट्टा हो गया। अब ये देखें, अब ये रिमूव बैकग्राउंड इसको कर रहा है, आप देख सकते हैं तकरीबन ये 64 इनके परसेंट है कि ये पहुंच गया, ये तकरीबन जाएगा 100 तक इसने जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, हमने इस वीडियो को यानी कि सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर उसके बाद हम ओपन करेंगे काइंड मास्टर को, और उस काइंड मास्टर में हम ये करेंगे अपनी वीडियो की बैक साइड पे कोई अच्छा सा बैकग्राउंड लगाएंगे। अब ये 80% हो गया, बल्कि 81.2 हो गया, थोड़ा सा वेट करते हैं ये मुकम्मल हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखें भाई ये 100 मुकम्मल हो गया। अब टॉप साइड पर आपको मिलेंगे पिक्सल, मैं जहाँ पर लिखा हुआ है 1080p, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। देखें अगर ये 720 आपका हो, ये देखें 720 है, 480 भी है, इसको आपने 1080 पिक्सल करना है, फुल आपने करना है। फुल करके टॉप साइड पे आपको मिलेगा एक एरो मिलेगा, आपने एरो पे क्लिक करना है। जैसे आप एरो पे क्लिक करेंगे तब आपकी ये मूवी बनना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ये फाइल को एक्सपोर्ट करेगा, आपकी फाइल को ये सेव करेगा। सेव करने के बाद ये भी तकरीबन आपका जाएगा 100 तक आपका जाएगा, 100 करेगा फिर ऊपर आपको बोलेगा डन कि ये मूवी आपकी बन चुकी है। ये 100 तक मुकम्मल हो जाए फिर इसको हम लेके आएंगे अपने यानी कि काइंड मास्टर में, वहाँ पे इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज करेंगे और अपनी आवाज़ को भी साफ बनाएंगे। अब आपने काइंड मास्टर को ओपन करना है, ये देखें काइंड मास्टर का मोबाइल ऐप है, ये देखें इसको मूव कर रहा हूँ, ये आपको मिलेगा गूगल में से, और इसका भी वर्जन मैं साथ में दे रहा हूँ। ये आपने काइंड मास्टर अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस पर मैं अपने फिंगर को टैप करता हूँ, टैप करने के बाद इसमें मुझे काफ़ी सारे छोटे छोटे बॉक्स मिलेंगे, मैंने फर्स्ट बॉक्स पर अपनी फिंगर को टैप करना है और नीचे से मैंने इसको करना है क्रिएट करना है। उसके बाद मुझे मोबाइल को रोटेट करना पड़ेगा, तो मैं मोबाइल को रोटेट करके मैं दोबारा मैं आपसे मिलता हूँ। जी तो मैंने कर लिया अपने मोबाइल को रोटेट। अब सबसे पहले आपने किसी भी तस्वीर को आपने लेके आना है जो कि आपने बैकग्राउंड चेंज करना है अपने इनके वीडियो की बैक साइड पर। जैसे मैंने काफ़ी सारे बैकग्राउंड मैंने पहले से सेव कर रखे हैं और ये मैंने गूगल में से मैंने ये बैकग्राउंड मैंने सेव किए। आप लोग भी गूगल का सहारा लेके इनके अच्छे अच्छे बैकग्राउंड को आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो मैंने कुछ शॉर्ट के लिए, कुछ लार्ज के लिए, इनके बड़ी वीडियो के लिए और छोटी वीडियो के लिए मैंने बैकग्राउंड सेव यानी कि अपने पास सेव करके रखे हुए, और मैं उन्हीं में से किसी एक को लेके आता हूँ बैकग्राउंड को ला के, और ये करता हूँ कि मैं अपनी फिर वीडियो को लेकर आता हूँ। जैसे कि मैं इस बैकग्राउंड को ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया, और उसके बाद इसको मैं ऊपर से टॉप साइड मुझे मिलेगा क्रॉस का एक बटन मिलेगा क्लोज करने के लिए, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। क्लोज किया, इसके अंदर क्लिक करके इसको थोड़ा मैं जूम इन करूंगा। अब राइट और टॉप साइड पर मिलेगा
पान एंड जूम का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने अपनी फिंगर को टैप करना है, टैप करके आपने सेंटर में से इसको मूव करना है अपनी, देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे राइट साइड पे आपको दो, जिनकी ये जो बैकग्राउंड है दो बॉक्सेस में आपको नजर आएगा, एक बॉटम पे होगा एक टॉप पे होगा। आपने टॉप वाले पे क्लिक करना है, पहले बॉटम पे था, इसको भी आपने ऐसे जूम कर लेना, ये आपने जूम कर लिया। उसके बाद थोड़ा इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, देखिए उसके बाद आपने ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस थे इनके साथ आपको इक्वल साइन का गोल बटन नजर आएगा, यहाँ पे आपने ये लेके अपने फिंगर को टैप करना है, इसको एक लॉक लग जाएगा। उसके बाद अब इसमें नीचे क्लिक करके इसको पकड़ के आपने पहले ऊपर से नीचे क्लिक कर, क्लिक बाद में करना है, टॉप साइड पर लिखा हुआ है पान एंड जूम, इस पर आपने ये लेके इसके बाद आपने लगा कि एरो अपने टैप करना है, दोबारा पर टैप करना है, आप नीचे अपने बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसको अपने मूव करना है, जैसे आपने ग्रीन स्क्रीन को मूव किया था कैप कट में, ऐसे अपने इसको मूव करना है। इसको मैं मूव करता हूँ तकरीबन, इसको कर लेते हैं जी 25 सेकंड तक, इसको पीछे को मूव करना है। अब ऊपर जाके फिर आपने वो एरो पे टैप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे आपको गोल एक यानी कि एक सर्कल मिलेगा, इस सर्कल में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि लेयर है, रिकॉर्ड है, मीडिया है और ऑडियो है। आपने लेयर पे अपने फिंगर को टैप करना है, उसके बाद टॉप साइड पर आपको मिलेगा नंबर फर्स्ट में मिलेगा मीडिया, आपने मीडिया पे अपनी फिंगर को टैप करना है। टैप करने के बाद अपनी उस वीडियो को आपने लेके आना है जिसको, जिसकी बैक साइड पे आपने लगाया ग्रीन स्क्रीन। ये देखिए कैमरा में मेरी वीडियो पड़ी हुई है, ये देखिए इसमें काफ़ी सारे आपको देखना है ये फोल्डर नज़र आ रहे होंगे, इसमें ये कैमरा का एक फोल्डर होगा, इस पर मैं टैप करता हूँ। उसके बाद नंबर फर्स्ट पर मेरी वीडियो है, ठीक है, इसको मैं ले आता हूँ, इसमें नीचे से मैं ओके कर देता हूँ। देखिए मेरी वीडियो आ गई है, अब टॉप और राइट साइड में मुझे क्रॉस का बटन मिलेगा, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ये देखिए आ गई। अब मैंने ये जो ग्रीन स्क्रीन है इसको मैंने करना है ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए राइट साइड से मैं यानी कि स्क्रोल करूँगा, ऊपर की तरफ आऊँगा, यहाँ पर मुझे कुछ मिलेगा ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का, मैं क्रोमा की पर मैं अपनी फिंगर को टैप करता हूँ, मैंने टैप किया। उसके बाद ऊपर मुझे मिलेगा इसमें इनेबल का ऑप्शन मिलेगा, जैसे मैं इसको इनेबल करता हूँ आप देखेंगे मेरी जो ग्रीन स्क्रीन है वो वहाँ से ख़त्म हो गई है। उसके बाद अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करूँगा, ये देखें सेंटर पकड़ के, अब नीचे आपको ये देखना ये एरो नज़र आ रहे हैं, इससे मैं इसके साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, ये देखें। लेकिन देखिए एक वाजह नज़र आ रहा है कि बैक साइड मुझे वो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, तो मैं इसको ये ख़त्म करूँगा, इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ, ये देखें बड़ा किया मैंने इसको यहाँ तक, इसको मैं यहाँ नीचे लेके आया, थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे लेके आइए, देखें यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाए आप अपनी राइट साइड पे, आपको ये देखना है, देखें मैं इसको मूव करता हूँ तस्वीर, अब मेरे बैकग्राउंड में देखें आपको नज़र आ रही है, मदम कर रहा है इसको, ये देखें जैसे जैसे इसको मैं मूव कर रहा हूँ इसको फुल कर रहा है, और उसके बाद ये देखें ये ऐसे जहाँ पे इसको अपने रखना है ऐसे कर रहा है। अगर लगे कि जो पीछे वाला आपका बैकग्राउंड है ये आपका मज़ा नहीं कर रहा, मतलब कि नहीं मैच कर रहा, तो उस पर आपने क्लिक करना है ऊपर वाली तस्वीर पर, राइट साइड पे आपको मिलेगा टॉप साइड पे रीप्लेस का ऑप्शन मिलेगा, रीप्लेस, आपने रीप्लेस पे अपनी फिंगर को टैप करने, टैप करके दोबारा से आपने उसी में आ जाना बैकग्राउंड वाले यानी कि अपने फोल्डर में, वहाँ से आपको इसी और बैकग्राउंड को उठाएं, एक इसको उठा लें, लेकिन जैसे एक ऑफिस का माहौल है ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें हमें अच्छी लग रही है, बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, ठीक है अभी इतना रख लें। उसके बाद मैं इसको प्ले करके चेक करता हूँ, ये देखें जैसे इसको मैंने प्ले किया, इसको ये चला के दिखाया गया, देखें चला के दिखा रहे हैं, देखें यहाँ तक मैंने किया। अब यहाँ तक इसको मैंने करना है कट करना है, इसको मैंने यहाँ तक कट करना है, इतना मैंने किया। नीचे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने अपनी फिंगर को टैप करना है, टैप करेंगे राइट और टॉप साइड पे आपको मिलेगी एक कैंची मिलेगी, सीजर, इसमें लिखा होगा ट्रिम एंड स्प्लिट लिखा होगा इसके नीचे, आपने कैंची पे क्या करना है, आपने अपनी फिंगर को टैप करना है। टैप करने के बाद इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा यानी कि स्प्लिट का आप ऑप्शन कह सकते हैं, इसमें स्प्लिट मिलेगा आपको, स्प्लिट आपने करना है, तरीका वही है सेम, वहाँ पे आपका था वो यानी कि ऑप्शन था स्प्लिट ऑप्शन था आई थिंक कैप कट में, यहाँ पे आपका स्प्लिट का ऑप्शन है। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको आपने यानी कि आपको ये लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा एक रिसाइकल बिन मिलेगा, ठीक है, इससे इसको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो ये बैकग्राउंड है प्रोवाइस पर क्लिक करना है, कैंची पर क्लिक करना है और इसको अपने स्प्लिट करके इसको भी आपने डिलीट कर देना। अब इतना जो पार्ट है इस इतने पार्ट को आपने करना है सेव करने, सेव करने के लिए टॉप और राइट साइड पे आपको मिलेगा एक मिलेगा एरो, एरो पे अपने फिंगर को प्रेस करना है और आप देखेंगे इनके लेफ्ट साइड पे आपको काफ़ी सारी मिलेंगी रेजोल्यूशन मिलेंगी, जैसे कि सबसे पहले इसमें जो सिलेक्ट वो है फुल HD 1080 पिक्सल, अब ये QHD यानी कि ये इससे भी अच्छा होगा जिसको आप 2K या 4K कहते हैं, अगर नॉर्मल करना आपने ये 720 भी है और जैसे 540 भी है, 480 भी है,
360 सबसे लो क्वालिटी, इसको हम 1080 में रख लेते हैं ये देखिए। और नीचे इसके आपके ये इसको थोड़ा मूव करेंगे देखेंगे, नीचे आपकी आपको बताएगा आपकी MB कितने MB आपकी कंज्यूम कर रही है। देखिए मैं इसको जैसे इसको मैं बढ़ाता हूँ, इसको मैं हाई कर लेता हूँ, अब नीचे आप देख सकते हैं मेरी ये तकरीबन 39 MB की मेरी ये वीडियो बन गई। अगर मैं इसको वापस लेके आता हूँ ये देखें इधर, अब देखें आप सबसे बॉटम पे, बॉटम और लेफ्ट साइड पे आपकी ये 4 MB की ये बन गई है आपकी ये मूवी। मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ, यहाँ तक ये देखिए इतना भी है। अब मेरी 20 MB की है, इसको मैंने करना है सेव एज वीडियो, सेव एज वीडियो करूँगा। अब इस वीडियो को ये करेगा सेव करेगा ऐसे, यानी कि जो मैंने वीडियो बनाई है मैंने रुक रुक के बनाई है पार्ट्स में, ऐसे आपने क्या करना है पहले एक दफ़ा उसका सारा बैकग्राउंड रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद फिर आपने ये करना है कि आपने उसको पार्ट्स में यानी कि बैकग्राउंड को चेंज करके सेव करते आना है। अब इसको हम चेक करते हैं, चेक करने के लिए इसको मैं यहाँ से सेंटर में से ख़त्म कर लेता हूँ, और ख़त्म करने के बाद मैं इसमें से यानी कि अपना मैक्स प्लेयर को मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने मैक्स प्लेयर को मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद इसमें मुझे मिलेगा ऑप्शन मिलेगा मूवी का, ये देखिए मूवी का मेरे पास एक फोल्डर है, इसमें आता हूँ, इसमें मुझे मिलेगा काइन मास्टर, काइन मास्टर में आ गया। उसके बाद इसमें मैं देखें सबसे पहले मुझे वही मिलेगी वीडियो जो कि अभी भी मैंने बनाई है, अब देख सकते हैं देखें बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया और ये मैं बात भी कर रहा हूँ। देखिए और ऐसे लग रहा है कि जैसे वाकई मैं वहां पे यानी कि खड़े होके मूव होके मैं अपनी वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा दोबारा आप काइन मास्टर में आ जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद किया, काइन मास्टर में दोबारा हम आ गए। दोबारा आने के बाद आप इसको यानी हमने बैक करना है, बैक करेंगे। अब हमने क्या करना है इसको दोबारा से इस वाले को तस्वीर थोड़ा इसको हमने खोलना है, ये हमने खोला यहाँ तक, और ऐसे ही हमने नीचे से जो अपना ये वीडियो है इसको हमने खोल लेना है। ये देखिए ये हमने खोला, यहाँ तक खोल लिया, ठीक है। अब देखें जहाँ पे मैंने इसको खामोश किया था कि मैंने इसको यहाँ पे खामोश किया था, यहीं पे क्लिक करके सेम वो तरीका, ये अपने सीजर पे फिंगर को टैप करना है, उसके बाद इसको स्प्लिट करना है। अब इसका जो पहला पार्ट है पहले पार्ट पे आपने फिंगर को टैप करके इसको डिलीट कर देना है, क्योंकि अब ये हमारे काम का नहीं है। इसको आप पकड़ा, नीचे आपने क्लिक किया, इसको अपने मूव करना है, सॉरी मूव नहीं करना है इसको अपने, क्योंकि फिर शुरू से हो जाएगा। इसको अपने ड्रैग करवाना है, यहाँ से पकड़ के पीछे को अपने ड्रैग करवाना है। अब इसको अपने आगे की तरफ मूव करना है, ये देखिए आगे मूव कर रहे हैं, ये देखिए। अब क्या करेगा जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये आपका अगला पार्ट क्या करेगा, अगले पार्ट को ये बोल के दिखाएगा। ये देखें जैसे अपने मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ से यहाँ पे रखा, दोबारा सीधर पे आ गया, ऊपर से इसको मैं करूँगा ट्रिम, लेफ्ट करूँगा लेफ्ट, शुरू से इसको क्या करेगा ट्रिम करेगा, काट देगा। बैक करता हूँ, बैक करता हूँ, ये देखें अब मैं इसको ये करता हूँ, अब मैं इसको ये प्ले करता हूँ, अब देखें अब इसने अगला पार्ट ने मुझे बोल के दिखाया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे बैक कर लूँगा और इसको भी मैं बैकग्राउंड को भी कर लूँगा, बैक कर लूँगा। ऐसे आपने सारे पार्ट आपने ऐसे कट कर लेने। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, ऊपर वाले पे मैंने क्लिक किया, तरीका वही है, राइट साइड में इसको करूँगा रिप्लेस करूँगा। रिप्लेस करने के बाद मैं अपने उसी में वापस आऊँगा बैकग्राउंड में, और भी काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स हैं, इनमें से कोई भी एक मैं चूज़ कर लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ये देखें देखिए यार अब देख कितना बेला लग रहा है वाला, इसको वही तरीका ऊपर से मैं यानी कि एरो से इसको मैं टैप करूंगा, दोबारा एरो पे क्लिक करके इसको सेम वही, अब ये पहले से इसकी सेटिंग है, इसको मैं सेव कर दूंगा। ऐसे मैंने जितने पार्ट्स में रुक रुक के मैंने वीडियो बनाई है उतने पार्ट्स में सबको इसको मैंने कर लेना है, सेव कर लेना है। ये था मेरा बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका। उसके बाद अब हम आएंगे अपनी आवाज़ की तरफ कि आवाज़ को हम कैसे यानी कि ब्यूटीफुल बनाएंगे, साफ करेंगे, क्लियर करेंगे। और इसको भी हम थोड़ा चला के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। मैं MX प्लेयर को ओपन करता हूं, अब देखिएगा कि कितना प्यारा उस वहां पर रिजल्ट आएगा। देखिए आप देख सकते हैं आगे, अब देखें अब लग रहा है कि भला मैं वहां पे किचन में खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा हूं, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये मैं एक इमारत बनी हुई है इसके यानी कि सामने खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा हूं। अब हम अपनी आवाज को करते हैं बेहतर से बेहतरीन। अब आपने काइन मास्टर को ना टोटली बंद करके दोबारा से आपने ओपन करना है, ठीक है। इसमें कोई भी तस्वीर या कोई भी वीडियो नहीं लेके आनी, डायरेक्ट आपने इसको ओपन कर लेना जैसे कि शुरू में हमने ओपन किया था। जब आप ओपन कर लें ऐसे इसका यानी कि आएगा इंटरफेस आएगा, इसमें से आपने अब काइन मास्टर पर क्लिक करना है। काइन मास्टर का आपको मिलेगा एक फोल्डर, मतलब कि जो भी वीडियो आप सेव करते आएंगे काइन मास्टर खुद अपना एक फोल्डर बना देगा, उसमें से आपने अपनी वीडियो को कॉल करवाना है। देखें जैसे काइन मास्टर को मैं ओपन करता हूँ
अब देखें इसमें वो मेरी वीडियो आ चुकी है, ये नंबर फर्स्ट वीडियो, यहाँ मैं अपनी फिंगर को टैप करता हूँ, ये इसमें आ गई। इसको मैं टॉप और राइट साइड को मैं कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। अब इसमें मैं अपनी आवाज़ की दोबारा से करूँगा रिकॉर्डिंग, पहले मैं अपनी आवाज़ को सुन लूँगा। अब क्या पता मेरी आवाज़ आपको स्लो सुनाई दे, मैं इसमें अपनी फिंगर को टैप करता हूँ। टैप करके अब आपको इसमें मिलेगा एक मिक्सर का एक आपको मिलेगा ऑप्शन, इनके राइट साइड पर आपको ना एक मिलेगा स्पीकर का एक आइकन सा बना होगा, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी फिंगर को टैप करता हूँ, टैप करके टॉप साइड और राइट साइड आपको मिलेगा ऑटो वॉल्यूम, इसको मैं यहाँ पे अपनी फिंगर को टैप कर लेता हूँ। इसको मैं बैक करता हूँ, बैक करके इसमें मुझे एक ऑप्शन मिलेगा, मैं इसको मूव जैसे करूँगा ये इस लिस्ट को, इसमें लेकर मुझे मिलेगा EQ का एक मिलेगा ऑप्शन, में EQ पे क्लिक करूँगा, सबसे नीचे आऊँगा, इसको मैं कर लूँगा इसमें से R and B का मुझे एक ऑप्शन मिलेगा, इसको टैप कर लूँगा, बैक करूँगा, उसके बाद इसमें मिलेगा EQ के नीचे मिलेगा रिवर्ब का ऑप्शन, सॉरी इसको मैं टैप करूँगा, टैप करके फिर नीचे आ जाऊँगा, सबसे नीचे मुझे मिलेगा स्टूडियो, मैं स्टूडियो पर टैप करूँगा, इसको बैक करूँगा और इसको मैं प्ले करके चेक करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद शब्बीर 1.0 यूट्यूब चैनल, क्या हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं। अब राइट साइड में मुझे मिलेगा रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, ये देखें रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, देखें रिकॉर्ड के ज़रिए आपने अपनी आवाज़ को इसमें करना है, रिकॉर्ड करना है। आप कैसे रिकॉर्ड करना है आपको बताते हैं, बैक करके इसमें मैं फिंगर को टैप करता हूँ, ये जो मिक्सर वाला आइकन था यहाँ पे क्लिक करके, सॉरी टैप करके अपनी फिंगर को, इसका जो नंबर फर्स्ट ऑप्शन है ये देखिए, मैं इसको मूव भी कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, देखिए मूविंग हो रही है, इसको बॉटम पे लेके आना, इसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी, देखिए। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, दोबारा इसको ऊपर से टैप करके बैक आना है, फिर मैंने रिकॉर्ड के ऑप्शन पर मैंने क्लिक करना है, और जहाँ से मैं बोलना स्टार्ट करूँगा वहाँ से मैंने इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। पहली आवाज़ को मैंने म्यूट कर दिया था और इस आवाज़ को मैं रिकॉर्ड करूँगा। अब देखिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने रिकॉर्डिंग की है। अब इस रिकॉर्डिंग को हम सुन के देखते हैं भी क्या हमें रिस्पॉन्स मिलता है, इसको मैं प्ले करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद शब्बीर 1.0 यूट्यूब चैनल, क्या हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं। ठीक है, अब मैं पुरानी आपको जो पुरानी मेरी वॉइस थी उसको मैं सुना के दिखाता हूँ। इसको मैं इसकी आवाज़ को मैं इनके मिक्सर के ज़रिए बंद कर देता हूँ और इसकी आवाज़ में दोबारा से फुल कर देता हूँ, इसकी आवाज़ में उसकी आवाज़ में फ़र्क देखिएगा आप। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद शब्बीर 1.0 यूट्यूब चैनल, क्या हाल है, सब ठीक ठाक है। इसको आपने सुन लिया, अब सुनते हैं उस आवाज़ को जो कि मैंने रिकॉर्डिंग की, इसकी आवाज़ को दोबारा से मैं नीचे कर देता हूँ और नीचे क्लिक करके देखें, इसमें मैंने कोई सेटिंग फिलहाल नहीं की, ना ही मिक्सर में आके इसको मैंने यहाँ से ये देखें ऑटो वॉल्यूम किया, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, सिंपल वही मेरी आवाज़ है। अब सुन के देखिएगा, इसको मैं प्ले करता हूँ, सॉरी इसको मैं यहाँ से ये करना भूल गया, 100 पे मैंने करना था। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद शब्बीर 1.0 यूट्यूब चैनल, क्या हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं। ऐसे आपने जो भी बकिया आपकी आवाज़ है यानी कि बकिया जो आपके क्लिप्स हैं, ठीक है, उनको आपने ऐसे ही बोल लेना है आपने, ठीक है। आपने पास पहले कॉपी पे आपने क्या करना है, उसको नोट करना, नोट करके फिर आपने उस पर बकायदा पहले प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके ऐसे आपने बोलना तो आपकी आवाज़ बिल्कुल शानदार हो जाएगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ उसी यानी कि उसी पिक्सल में। उसके बाद सेव करने के बाद आप मैं जो दूसरा पार्ट मैंने बनाया था मैं उसको लेके आता हूँ, उसमें भी हम ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं। इसके बाद इसको अभी हमने और साफ करना है, इसको हमने अभी और क्लियर करना है अपनी आवाज़ को। इसको बैक करते हैं ऊपर से, बैक किया एक दफ़ा, फिर बैक कर लिया मैंने और दोबारा से मैंने इसको क्रिएट न्यू किया और क्रिएट किया। उसके बाद मैं दूसरा क्लिप अपना लेके आता हूँ, काइंड मास्टर में आ गया, ये मेरा ये वाला क्लिप था, इसको लेके आता हूँ और टॉप साइड से ये क्रास में इसको बंद कर दिया। अब सबसे पहले मैं वही तरीका सेम मिक्सर पे फिंगर प्रेस करूँगा, इसको ऑटो वॉल्यूम करूँगा, बैक करूँगा, इसको मूव करके पहले मैं इसको करूँगा सबसे पहले EQ पे टैप करूँगा, इसमें नीचे आगे मैं इसको करूँगा R&B, इसको बैक करूँगा, फिर मैं आऊँगा रिवर्ब पे, उसके बाद इसको मैं कर लूँगा स्टूडियो और बैक कर लूँगा और मैं इसको प्ले करके चेक करता हूँ सबसे पहले आवाज़ को। हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स और आज हमारी क्लास नंबर है 7। अब इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, इसकी आवाज़ को हम कर लेते हैं बंद, उसके बाद बैक रिकॉर्ड।
थोड़ी सी आवाज आगे पीछे हो गई, लेकिन पहले हम इसको प्ले करके चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स और आज हमारी क्लास नंबर है 7। बिल्कुल ठीक है, ये देखिए साफ है। अगर मैं एक मसाल इसका, ये जो था ये मिक्सर, इसको मैं ऐसे ऑन करता हूँ और इसमें जो मैंने किया था EQ इसको मैं करता हूँ R&B, और ये जो रिवर्ब था इसको मैं करता हूँ स्टूडियो में, और बैक करके अब इसको मैं चेक करता हूँ, अब आवाज़ मेरी और तेज़ हो जाएगी। देखें हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स और आज हमारी क्लास नंबर है 7। लेकिन ये ज़्यादा ही ओवर सी हो गई है, लेकिन हम इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। इसको मैंने ख़त्म किया, रिवर्ब को मैंने ख़त्म किया, नन नॉर्मल कर दिया इसको, और मैंने इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब इसको प्ले करके देखते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स और आज हमारी क्लास नंबर है 7। उसके बाद अब मैं वो आवाज़ आपको सुनाता हूँ, पहले वाली, इसको मैं नीचे करता हूँ और इसको मैं हाई करता हूँ, पहले वाली को। अब फर्क देखिए कितना फर्क है, अब देखिए। हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स और आज हमारी क्लास नंबर है 7। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत दूर से बात कर रहा हूँ। अब मैं इसको नीचे करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे फिंगर टैप करके इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ और इसको मैं प्ले करके चेक करता हूँ। हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स और आज हमारी क्लास नंबर है 7। जैसे मैं बिल्कुल पास होकर बात कर रहा हूँ, इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, सेव एज वीडियो, राइट साइड से मैंने इसको टैप करना है। ये मेरे दो पार्ट्स मुकम्मल हो गए। अब ये दो पार्ट्स मेरे मुकम्मल हो चुके हैं। अब मैंने ये करना है कि मैंने अपनी आवाज़ को करना है साफ, करना है और साफ करना है। साफ करने के लिए अब मैं आऊँगा कैप कट पे। मैंने कैप कट के ऐप को ओपन करना है अपने मोबाइल में से, उसमें मैं इसको थोड़ा सा और साफ करके आपको दिखाता हूँ। चलें जी फिर कैप कट को ओपन करते हैं। कैप कट को मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद इसमें से मैंने न्यू प्रोजेक्ट पर अपने फिंगर को टैप किया। उसके बाद जो वीडियो मैंने सेव की थी उनको इसमें मैं लेके आऊँगा। जैसे पहली मेरी वीडियो थी वाली, इस पर मैं अपनी फिंगर को टैप करता हूँ। टैप करने के बाद इसको मैं लेके आऊँगा जी इसमें, ये देखिए मैंने टैप किया इसमें, अभी इसमें ये आ चुकी है मेरी वीडियो। अब मैं अपनी वीडियो पे टैप करूँगा, बॉटम साइड पे मैं अपनी फिंगर को मूव करूँगा, सबसे एंड पे मैंने आ जाना है। ये देख सबसे एंड पे आ गया। इसमें मुझे एक ऑप्शन मिलेगा जी, उसका नेम मैं आपको बताता हूँ। उसका नेम है यहाँ पर रिड्यूस नॉइस। रिड्यूस नॉइस का मुझे ऑप्शन मिलेगा। इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड में जो हल्की फुल्की कोई शोर शराबा जो आ रहा है उसको ये ख़त्म कर देता है। मैं यहाँ पे अपने फिंगर को टैप करता हूँ, टैप किया और यहाँ पे मैं इसको ये राइट साइड पे जो गोल्ड से बटन है मैं अपने यहाँ पे प्रेस करूँगा। अस्सलामु अलैकुम। तो मेरी आवाज़ जो है वो, यानी कि उसका जो बैकग्राउंड का शोर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसके बाद इसके साथ ही मुझे एक ऑप्शन मिलता है वॉइस इफेक्ट का, यानी कि रिड्यूस नॉइस के साथ ही। मैं यहाँ पे फिंगर को टैप करता हूँ। इसमें काफ़ी सारे फिल्टर्स होते हैं जो कि आप यानी कि यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो इसमें ये माइक हुग के नाम से एक है, यानी कि फ़िल्टर है। मैं यहाँ पर अपनी टैप करता हूँ, टैप करके इसको मैं यहाँ से कर लेता होता हूँ तकरीबन 17, यहाँ से 17 कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा ना मेरी आवाज़ को इको में ले जाता है। अस्सलामु अलैकुम इको में लेता है। और बॉटम साइड पे आपने टिक मार करके इसको अपने यस कर देना। अगर आपको लगे कि आपकी आवाज़ स्लो है तो इसको आपने ये टैप करके आ गया ना, इसमें आपको मिलेगा एक वॉल्यूम का आपको मिलेगा ऑप्शन। आपने वॉल्यूम पे टैप करना है अपने फिंगर को और इसकी यहाँ पे आवाज़ को ऐसे आप ज़्यादा तेज़ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 300 तक वैसे रखता होता हूँ। देखिए 300 आवाज़ बहुत होती है। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद शब्बीर 1.0 यूट्यूब चैनल। ये मैंने रखा और नीचे से इसको मैं कर लेता हूँ, यस कर लेता हूँ। और ऐसे ही आपने ये करना है कि आपकी जो दूसरी वीडियो है उसको भी आपने एस सेट कर लेना है। और टॉप और राइट साइड जो आपको मिलता है एरो मिलता है, ठीक है, वहाँ से आपने अपनी इस वीडियो को सेव कर लेना है। सेव हो जाएगी, इसको डन करना है। डन करने के बाद आपने दोबारा काइंड मास्टर में आपने इसको वापस लेके आना है, ठीक है। इन दोनों वीडियो को सेव करके ऊपर से उसको डन करेंगे। डन करने के बाद अब हम काइंड मास्टर को दोबारा से ओपन करते हैं। ओपन करके उसमें हम इन वीडियो को लेके आते हैं और इसमें हम यानी देते हैं ट्रांजेक्शन देनी है हमने अपने स्लाइड्स के दरमियान, हमने यानी कि एनिमेशन देनी है, उस तरफ हम आते हैं। दोबारा से हमने काइंड मास्टर को ओपन किया। अब हमने कैमरा का जो फोल्डर है वहाँ पर अपनी फिंगर को टैप करना है। टैप करने के बाद नंबर फर्स्ट वीडियो हमारी थी जिसकी हमने आवाज़ को थोड़ा सेटवेट किया था, उस पर टैप करके इसको हमने ओके कर देना है। उसके बाद इसको हम करते हैं ऊपर से। आपको इसी वीडियो के ऊपर आपको मिलेगा कैमरा का एक
कैमरा लिखा होगा सर, आपको मिलेगा एक एरो, एरो पे आपने अपने फिंगर को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप दूसरा इसका पार्ट ले लेते हैं, जैसे कि ये मैं पार्ट लेता हूँ ये वाला, ये और एक मैं पार्ट अपनी तरफ से कोई इसके साथ मिला लेता हूँ। ये दोबारा मैं वही कर लेता हूँ जो नंबर वन वाला था, मैं उसी को ले लेता हूँ। तीन पार्ट कर लेते हैं, चौथा दोबारा फिर वही कर लेते हैं, यानी कि इसको हम डबल कॉपी कर लेते हैं। ऊपर से बंद करेंगे, बंद किए शुरू में आ जाते हैं, ये देखें शुरू में आ गए। अब इसको आपने जब सुना, इसको पहले सुन लेते हैं, ये देखें जीरो यूट्यूब चैनल, क्या हाल है, सब ठीक ठाक है। यहाँ तक आपने इसको सुना, सुनने के बाद अभी एको में भी हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करके आपने वही, ये जो आपकी राइट साइड को मिलती है कैंची मिलती है, अपने कैंची पे अपने फिंगर को टैप करना है, इसको अपने करना है ट्रिम राइट, एक मिलेगा लेफ्ट एक राइट, राइट कर लेना है। अब ये जो सेंटर में आपको ये माइनस का एक बटन मिल रहा है, वैसे माइनस होता है ऐसे चौड़ाई में, ये लेंथ में है, लंबाई में है, इस पर अपने टैप को प्रेस करना है। अब राइट साइड को देखें, आपको काफ़ी सारी ये एनिमेशन मिलेंगी, काफ़ी सारी आपको ट्रांजेक्शन मिलेंगी। जैसे कि मैं इसमें आता हूँ स्लाइड फ्लैश में, इसमें आके मैं उठाता हूँ ये वाली, इसको मैंने उठाया। अब देखें जैसे कि मिसाल मेरी ये स्लाइड मुकम्मल होगी ना, देखें क्या हाल है, सब ठीक ठाक है, हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। जैसे मेरी वो स्लाइड मुकम्मल हुई तो ऑटोमेटिकली मेरी दूसरी स्लाइड स्टार्ट हो गई। अब देखें इस पे अगर एक मिसाल की ये ज़्यादा हुई, देखना इसकी टाइमिंग को आप यहाँ से इसके अंदर क्लिक करके इसको शुरू से देखें, ऐसे आप कम भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कि आपने बोलना स्टार्ट किया थोड़ी देर रुक के, तो इसको आप थोड़ा इधर मूव कर सकते हैं, ये देखें सही हो गया। अब आगे आते हैं, आगे जैसे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, टैप मैंने किया, इसमें मैं कोई और यानी कि अपना ले लेता हूँ, जैसे मैं ये बार कर लेता हूँ इफेक्ट, ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करके चेक करता हूँ, आज हमारी क्लास नंबर है 7। अब देखिए मैं रुक गया था वहाँ पे 7 के बाद मैं रुक गया था, मैं यहाँ पे इस यानी कि वीडियो पे टैप करता हूँ और इसको थोड़ा मैं मूव करता हूँ पीछे की तरफ, देखें थोड़ा और मूव कर लेता हूँ, ये देखें यानी कि साथ मिलाना है कि जैसे मैं खामोश हो जाऊं मेरी अगले ही जो मेरा जो पार्ट है वो बोलना स्टार्ट हो जाए, देखिएगा। और आज हमारी क्लास नंबर है 7। अस्सलाम, कुछ ज्यादा ही हो गया, इसको थोड़ा सा मूव करके हम आगे कर लेते हैं, ये देखिए, और अब इसको चेक करते हैं, क्लास नंबर है 7। अस्सलाम, और देखिए थोड़ा लेट बोल रहा है, इसको पकड़ थोड़ा सा इस तरफ कर लेंगे, आज हमारी क्लास नंबर है 7। अस्सलाम वालेकुम, अब ठीक है। अब ये देखें, ये इसको क्लोज कर, क्या हाल है, सब ठीक ठाक है, देखिए ये भी देखें खामोश हो गए। पहले इसको मैं एनिमेशन देते हैं, देखिए काफ़ी बहुत एनिमेशन इसमें पड़ी है काइंड मास्टर में, एक से बढ़ के एक एनिमेशन है, जो आपको अच्छी लगे आप वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाली देता हूँ, और एक और मज़े की बात, जब आपने एनिमेशन पर क्लिक किया, देखिए ये इसका टाइमिंग है, देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ, जितना आप करेंगे जैसे इसको मैं 2 करता हूँ ये उतना आहिस्ता इसको मूव करेगा, आप गौर कीजिएगा। अब ये देखें, देखिएगा सब ठीक ठाक है, हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। देखें अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, इसको अगर मैं करता हूँ 0.5 कर लेता हूँ, ये देखें अब देखें जल्दी ये जल्दी में मूव करेगा, सब ठीक ठाक है, हम लोगों ने स्टार्ट, देखें जल्दी में इसने इसको मूव किया, ठीक है। लेकिन इसका मैं रखता हूँ तकरीबन 1 सेकंड इसका मैं रखता हूँ, ये देखें सब ठीक ठाक है, हम लोगों ने, बाकी तरीका वही है, देखें पहले ये खामोश हो गया है, सब ठीक ठाक है, इसको मैंने पकड़ा पीछे मैंने मूव कर दिया, क्या हाल है, सब ठीक ठाक, हम लोगों ने स्टार्ट, इसकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, इस पे हम करते हैं इसको ये कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं मिक्सर वाला, और इसका ये EQ वगैरह कर लेते हैं। EQ क्या करेगा, इसकी आवाज को थोड़ा सा तेज कर देगा। R&B कर लेते हैं, और सब ठीक ठाक, हम लोगों ने स्टार्ट कर, अब आपके सामने ये इसका रिजल्ट देखें कैसा है, ये देखें क्या हाल है, सब ठीक ठाक, हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। अच्छा ये हो गया, उसके बाद अगर इसकी बैक साइड पे आपने कोई साउंड लगाना हो तो इसके अपने साउंड पड़े होते हैं, जैसे कि ये आपको मिलेगा, ये राइट साइड पे जो गोल सर्कल है इसमें आपको मिलेगा ऑडियो का ऑप्शन, ऑडियो में आके यहाँ पे देखेंगे ना ये इसके म्यूजिक पड़े हुए हैं, देखेंगे ऊपर ये म्यूजिक है, ये जो म्यूजिक है ये इसके अपने म्यूजिक है वाली, ये देखें। और यहाँ पे राइट साइड पे आपको मिलेगा इसका प्ले स्टोर मिलता है, ये देखिए प्ले स्टोर है, इसमें से जिस चीज़ को अपने डाउनलोड करना है साइड पे देखें चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं ऑल्टो वाली, देखें जो अपने डाउनलोड करना है वो कर सकते हैं, देखिए जैसी चीज़ है। इसमें से मैंने ये ऑडियो में आके यहाँ पे ऑडियो में आया था, देखें ये सारे इसके म्यूजिक ही हैं, यानी कि जो मुझे अच्छा लगा था उसको पहले मैंने प्ले किया, देखें यानी कि जो अच्छा लगा, साइड पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा आपको। अब ये मुझे अच्छा लग रहा है वाला, ये डाउनलोड का ऑप्शन, मैं अपने फिंगर को टैप करूंगा, इसको इसमें डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया, लो जी ये डाउनलोड हो गया।
और ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा चेंज सीजन, ये आ चुका है इसको मैं यहाँ से, अब मैंने इसको इसमें लगाना है। तो ये देखें साइड पे राइट साइड पर आपको प्लस का बटन मिलेगा, यहाँ पे फिंगर को टैप करेंगे और टैप करके इसको मैं ऊपर से बंद करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं आगे करता हूँ क्योंकि सलाम के बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा। और इसका जो वॉल्यूम है वो मैंने कम कर लेना है, ये मिक्सर में आके इसको मैं कर लूँगा तकरीबन इसको 40 कर लेता हूँ। अब प्ले करता हूँ इसको। Assalamualaikum, this is Mohammad Shabir 1.0 YouTube channel. क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं? हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है Microsoft Office का कोर्स और आज हमारी क्लास नंबर है 7। अब देखें पीछे साउंड भी आ रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो मेरी वीडियो भी चल रही है। और ये जो स्लाइड की ट्रांजेक्शन है अगर आपने इसमें भी साउंड देना है तो मैंने एक ना यानी कि साउंड मैंने नो कॉपीराइट में डाउनलोड किए थे यूट्यूब में से, मैं उसका भी आपको एक झलक दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपनी ये लेयर पे अपनी टैब को प्रेस करना है, ये लेयर पे टैब को प्रेस किया और मीडिया में आना है। मीडिया में आके मैंने इसके इसमें मैंने यानी कि पहले से इसको सेव किया हुआ था कि जब मेरी स्लाइड मूव करे तब मेरा वो क्या हो साउंड आए, जैसे ये वाला ये साउंड है। ये आपको ना नो कॉपीराइट के नाम से फ्री में आपको साउंड मिल जाएंगे वुश वुश के नाम से। अब मैं इसका ये पहले वाला रख लेता हूँ, ये देखें मैं इसको प्ले करता हूँ और ये जो साउंड है इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ कि उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे। मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए। हाल है, सब ठीक ठाक है, हम लोगों देखें ये वुश के नाम से चीज़ हमारी आई है, इतना ही हमारा आ गया। इसको मैं यहाँ पे अपना क्लिक करके ट्रिम में आता हूँ, राइट कर लेता हूँ। इसकी आवाज़ को मैं थोड़ा तेज़ करना चाहूँ, तरीका सेम वही है। और इसके बाद ये मिक्सर में आना है, इसको तेज़ मैंने कर देना है। और ये जैसे था मेरा था इसमें जी ऑप्शन था EQ, इसको मैं करूँगा R&B और इसमें था मेरा था ये रिवर्ब। हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, और इसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी मैं कम कर लूँगा, इसने बहुत ही खप पाई हुई। अच्छा इसको मैं कम कर लेता हूँ। अब देखें अब जैसे स्लाइड मूव करेगी उसका साउंड भी आएगा। क्या हाल है, सब ठीक ठाक, हम लोगों ने उसकी यानी कि स्लाइड भी आई है। अब मैंने ये जो सामने आ रहा है इसको मैंने छुपाना है, इसको पकड़ के मैंने सिंपल नीचे मूव कर देना, ये देखें नीचे मैंने मूव कर दिया। अब आप देखें ये देखिए हाल है, सब ठीक ठाक, हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा। अब ऐसे आगे वाले कर लेते हैं। अब इसको अपने कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए टॉप और लेफ्ट साइड पे आपको तीन डॉट्स मिलेंगी, तीन डॉट्स पे आपने अपने फिंगर को टैप करना है और इसको अपने करना है डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करेंगे ये देखें, इसको पकड़ के आपने लेके आना है इस तरफ, ये देखें यहाँ पे आगे थोड़ा इसको आगे कर देना है। इसको प्ले करता हूँ। हमारी क्लास नंबर है, अस्सलामुअलैकुम। देखें साउंड भी आया और उसने उसको मूव भी किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या कि आपने कोई भी टेक्स्ट कैसे लेके आना है। जैसे मैं कहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम यानी कि दिस इस मोहम्मद शबीर, मैंने एक लोगो लेके आना है या मैंने अपना नाम लेके आना है, वो आपको बताता हूँ कि वो आपने कैसे लेके आना है। आपने अपने नाम को लेके आना है तो आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने यानी इसको प्ले करके आपने चेक कर लेना है कि ये कहाँ पर अस्सलाम वालेकुम बोल रहा है। मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए मैंने इसको प्ले किया, यहाँ पर इसने अस्सलाम वालेकुम बोला, ठीक है। अब मैं आऊँगा दोबारा से ये लेयर पे आऊँगा, लेयर में आके मुझे इसमें मिलेगा टेक्स्ट का ऑप्शन, टेक्स्ट में आके मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अस्सलामु अलैकुम। अब इसके लिए मैंने एक फ़ॉन्ट यानी कि एक मैंने ऐप कर रखा है जी फ़ॉन्ट के नाम से, जेड फ़ॉन्ट के नाम से एक ऐप कर रखा है जो कि ये उर्दू में ऐसे वो फ़ॉन्ट लेके आता है नूरी नेस्टालिक। इसको मैं ओके कर देता हूँ, ओके मैंने किया। ये आपको यानी कि प्ले स्टोर में से मिल जाएगा। इसको मैं साइज़ को देखें, साइड से साइज़ को मैं बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे सेंटर में लेके आता हूँ, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। इसको मैं यहाँ से ये देखिए कलर का ऑप्शन मुझे मिलेगा, इसको मैं कर लेता हूँ रेड कलर करता हूँ इसको, और इसको मैंने यस किया, ये मैंने यस कर दिया। इसकी नीचे मुझे मिलेगी आउट लाइन, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से येलो कर देता हूँ, ये मैंने येलो किया। इनेबल पहले मैंने इसको करना ऊपर से, ये देखें। अब इसको बैक करता हूँ, इसका गैप मैंने ख़त्म करना है। इसमें मुझे एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट ऑप्शन, इसी स्क्रोल बार में क्या मिलेगा टेक्स्ट ऑप्शन, इसको मैं मूव करके देखें, ये देखें इसको जितना मर्जी आप इसको ये देखे बैक कर सकते हैं। अब इसको हम प्ले करके चेक करते हैं, जब मैं अस्सलाम वालेकुम बोलूँगा कुछ पहले ही आ गए, थोड़ा इसको मूव करते हैं पीछे, उसके बाद
देखिए अस्सलाम वालेकुम आ गया। अगर इसको एनिमेशन देनी है, देखें इसी स्क्रॉल बार में जो मैं मूव करता हूँ, नंबर फर्स्ट में आपको मिलेगा इन एनिमेशन। ये काफ़ी सारी इसमें एनिमेशन देखें किस तरफ से आपका ये अस्सलाम वालेकुम आए, लेफ्ट से आए, राइट से आए, टॉप से आए या बॉटम से आए, लेकिन जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। मैं इसको ये राइट वाला कर लेता हूँ, ये देखें। अब देखें इसको मैं मूव करता हूँ, अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि दिस इज़ मोहम्मद शब्बीर 1.0। अब मैंने अपना इसमें लोगो लेके आना है, दोबारा मैं लेयर पे अपनी फिंगर को टैप करूँगा और मीडिया में आऊँगा। मैं मीडिया में आके जहाँ पे मेरा लोगो है, मेरा लोगो पड़ा हुआ है डाउनलोड में। अब ये चीज़ है कि लोगो बनेगा कैसे, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा और आपको तरीका बताऊँगा कि मैं लोगो मतलब कि लोगो कैसे बनाते हैं। मैं अपने लोगो को ले आता हूँ, ये देखें ये लोगो मैं ले आया, ये लोगो मेरा यहाँ पर आ चुका है। इसको मैं रख लूँगा इस साइड पे और इसमें कर लूँगा बड़ा, ये देखें। अब मैं इसको सबसे पहले ये सलाम बोलेगा, उसके वजह से बोले देखें सलाम भी इसने बोल दिया और मेरा वो लोगो भी यहाँ पे आ चुका है। ऐसी ये चीज़ आप ला सकते हैं। अब सब चीज़ें आप क्लियर हो चुकी हैं कि आपका बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया, इसके अलावा क्या हुआ कि आपने अपने आपको गोरा चिटा भी कर लिया, फिर आपकी जो वॉइस है उसको भी आपने साफ़ और क्लियर कर लिया, और आपने अपने स्लाइड में ट्रांजैक्शन भी दे दी। इसके अलावा आपने कोई नाम लेके आना है, नाम भी आप लेके आ गए। अगर आपने कोई लोगो लेके आना है, आप लोगो भी लेके आ गए। और जो सब्सक्राइब का बटन होता है वो आपको यानी कि बने बनाए आपको मिल जाएंगे आपके यानी कि यूट्यूब में से, नो कॉपीराइट, वो भी मैंने कर रखे हैं। मैं उसको भी ला के आपको दिखा देता हूँ। तो मैं मीडिया में आता हूँ, मीडिया में आके ये देखें मैंने बटन दोनों मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं, मतलब कि इनको आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बने बनाए मिल जाएंगे। देखें ये जैसे दो बटन मैंने ये यहाँ पे मैं लेके आया था, और उसके बाद जैसे मैं ये कर लेता हूँ, ये वाला उठा लेता हूँ, इसमें बस ये लोगो शो का ये मैंने खुद इसमें लगाया है। तो ये भी मैं आपको किसी वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि लोगो मैंने कैसे लगाया, ये देखें ये वाला। अब इसमें सिंपल आपने ग्रीन स्क्रीन को ख़त्म करना है, तरीका मैंने आपको बताया कि आपने क्रोमा की का आपने यूज़ करना है, जैसे हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था। देख क्रोमा की का हमने यूज़ किया, बैकग्राउंड रिमूव हो गया, बाकी इसको अब ये मूव करके आगे पीछे कर सकते हैं, और इसको पकड़ के आप इसके साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हमें यहाँ पर रख लें, जहाँ भी आपने बोलना है कि सब्सक्राइब करें मेरे यानी कि चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करें, इस तरह करके जो आपने बोलना है जब आप प्ले करेंगे तो वैसे वैसे वो आएगा। और वैसे वैसे उसको ये प्ले करके दिखाएगा। और इसके अलावा जो आपको थंबनेल नज़र आ रहा है वो मैंने बनाया है यानी कि कोरल ड्रा में, इन पेज का और कोरल ड्रा का मैंने यूज़ किया है। तो यानी कि उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अनकरीब। तो आप पिक्सेल ऐप का यानी कि सहारा ले सकते हैं, पिक्सेल ऐप के जरिए भी आप मोबाइल अपना सॉरी थंबनेल बना सकते हैं। ये मैं आपको एक थंबनेल दिखा रहा हूँ, इसको आप देख लें। इसमें मैंने मुकम्मल तरीका बताया कि आपने मतलब कि पिक्सेल ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है। और एक और ये थंबनेल देख लें, इसमें मैंने बताया कि आपने अपना सॉरी इसमें मैंने बताया कि आप अपना थंबनेल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। बाकी वो जो इन पेज और कोरल ड्रा का चक्कर है उसको भी, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप यानी कि कैसे अपने मतलब के थंबनेल को बना सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने आपको गाइड किया है ऐसे आपको किसी ने गाइड नहीं किया होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपने क्या करना है, ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, बेल आइकन पे क्लिक करके, साथ में आपको एक मिलता है बेल आइकन, वहाँ पे क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। उससे ये होगा कि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ।